सुप्रभात। लिंग परिचय अभ्यास आज हम देखने वाले हैं। लिंग परिचय जैसे हमने देखा था, लिंगों के तीन भेद होते हैं, पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम और नपुंसकलिंगम। आज हम उसका अभ्यास देखेंगे। उचितम उत्तरम चित्वा, हमें जो यहाँ पे जो पद दिए हैं वो कौन से लिंग के हैं उसका नाम हमें लिखना है। एक मिनट। रामः पुल्लिंगम, आम्रम यह कौन सा शब्द है, नपुंसकलिंगम। रामः रामो, रामः प्रथमा, वैसे ही आम्रम आम्र आम्राणी प्रथमा। वधु, वधु है कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंगी। शत्रु, शत्रु क्या है, पुल्लिंगम। द्वितीय प्रश्न, उचितम उत्तरम लिखत, अभी हमें क्या लिखना है, ये जो शब्द दिए वाले हैं ये कौन से अकारांत है, आकारांत है, इकारांत है, उकारांत है, ये कौन से है, ये हमें उसका लिखना है। तो गजह, गजह का उच्चार करते समय जो अंत में शब्द जो स्वर आता है गजह में, अ का स्वर का हम उच्चार करते हैं, तो गजह अकारांत। सखी, सखी का जो लास्ट का शब्द स्वर है ई की मात्रा है दीर्घ ई, तो इकारांत। कवि इस शब्द का ह्रस्व ई है इसीलिए इकारांत। अंत में जो स्वर आता है उसे हम उस शब्द को कहते हैं अकारांत, इकारांत, आकारांत। ठीक है। वस्त्रम में अभी अकारांत। इंदु, यहाँ पे द को उ की मात्रा है इसलिए उकारांत। तो इस तरीके से यह अभ्यास हमें सॉल्व करना है। निम्नलिखित शब्दान लिंगानुसार पृथक पृथक करुत, यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं उसे हमें वर्गीकृत करना है, पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम और नपुंसकलिंगम। वृक्षः यह क्या है, पुल्लिंगम। जैसे देवः की जैसे अध्यापिका उच्चार करने के बाद, उच्चार इस शब्द का उच्चार करने के बाद हमें यह स्त्रीलिंगम शब्द का है यह समझ में आता है। पुष्पम यानी फूल, यह नपुंसकलिंग है। तो वृक्षः पुल्लिंगम, अध्यापिका स्त्रीलिंगम, पुष्पम नपुंसकलिंगम। गुरु पुल्लिंगम, छात्रा छात्रः याने पुल्लिंगम, छात्रा याने स्त्रीलिंगम। जननी स्त्रीलिंगम, अन्नम नपुंसकलिंगम। जैसे पुष्पम अन्नम जलम, यह क्या है, नपुंसकलिंगम है। कपि याने वानर पुल्लिंगम। सारिका याने कोयल, सारिका स्त्रीलिंगम, माला स्त्रीलिंगम। पितामह, पिता के पिता को पितामह कहते हैं याने दादाजी, तो पुल्लिंगम। हस्तः पुल्लिंगम, जलम नपुंसकलिंगम, रवि पुल्लिंगम। इस तरीके से यह स्वाध्याय आपको आपके नोटबुक में कंप्लीट करना है। धन्यवाद।